जी जी आपको भगवान का दिया बहुत कुछ है और इस हालत में पहुंच गए हैं कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है टाइप्स, लेकिन एक मलाल आपको अभी भी आपकी सारी बातों में है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी आपको नहीं मिली। अब कांग्रेस में जा रहे हैं तो वहाँ पहले से आपके बड़े भाई चीफ मिनिस्टर को अपने को घोषणा ही कर चुके हैं और कह रहे हैं कि अब मुझे पार्टी से भी घोषणा का इंतज़ार नहीं है, जनता ने तो मुझे मान ही लिया है। आप इस मंच से बोल के जाएंगे कि क्या कि मैं हरीश रावत एज ए चीफ मिनिस्टर को चेहरा रख के चुनाव में उतरूंगा कांग्रेस की ओर से और मैं चीफ मिनिस्टर का दावेदार नहीं होऊंगा? देखिए, मैंने कहा मैं शुद्ध रूप से व्यावहारिक राजनीति की हूँ, इतना मैं भी जानता हूँ। जब मैं 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गया 16 में, तो मैं जानता था ये मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने त्रिवेंद्र रावत की बात को स्वीकार कर लिया। मैं जब तीरथ सिंह रावत हॉस्टल वार्डन था जो चीफ मिनिस्टर बना, हमारा सांसद है, उसको मैंने बच्चे की तरह 3 साल पाला। मैं हॉस्टल वार्डन था, मैंने अपना फर्नीचर अपने ऑफिस से हटाकर उस तकर डलवाया, उसको 3 साल रखा, कपड़े भी मैं बनाता था उसको, छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। जब मैं उसके नेतृत्व में मंत्री रह सकता हूं, धामी अभी जब विधायक था मैं मंत्री था, 4-4 घंटे मेरे पास बैठता। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने जब मैं कोरदार में 91 में मंत्री के रूप में छात्र संघ के शपथ ग्रहण समारोह में गया था, योगी जी जनरल सेक्रेटरी छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी चुनाव लड़े थे और 4th नंबर पर रहे थे, तो मैं शपथ ग्रहण समारोह में गया था तो मेरे नारे लगाए थे। तो जब मैं उनके साथ परिस्थितिवश काम कर सकता हूं तो हरीश भाई तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, उम्र के दृष्टिकोण से मुझसे बड़े भी हैं और राजनीतिक रूप से भी पुराने। ABP News आपको रखे आगे।